हम ट्रेवेंचर कंपनी के साथ अरंकेल आए हुए हैं 5 दिन के टूर के लिए कश्मीर के लिए फुल फैमिली के साथ। बहुत अच्छा है इनका खाना पीना, रात का डिनर बेहतरीन है, ब्रेकफास्ट इनका बेहतरीन है, ये हमारे गाइड बहुत अच्छे हैं और हमने बहुत इंजॉय किया और ये जगह बहुत अच्छी है, आप लाजमी यहाँ पे। बारिश फुल तेज होती जा रही है, कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, जल्दी से जल्दी उतरना पड़ेगा वरना तो आपको पता ही क्या हो सकते हैं। ये जगह का नाम है अरंखेल और आपने पिछली सारी वीडियो में देख लिया होगा क्या ना, ऊपर बिल्कुल ऐसे पहाड़, उसके बाद सीधा लैंड है, प्लेन लैंड है और उसके बाद उसके ऊपर सारी होटल वगैरह है, जिसकी जिसमें से एक होटल में हम रुके थे और अभी हम वापस से जा रहे हैं, एक दिन रुके थे। तो अगर मैंने ये सारी वीडियो जान के बनाऊंगा ना तो व्लॉग ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो है ना ये स्किप करता हूँ मैं और टाइम लैप्स डाल दूँगा, नीचे उतरने के बाद ही मिलते हैं क्योंकि नीचे भी हमको बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी करनी है। हम लोग इतने पहले निकले थे हमारे ग्रुप के साथ और इतनी जल्दी पहुँच भी गए, देखे सामने नारा खुल गया, बांध लो वो, देखे सारे हमारे ग्रुप के आ गए, आप मतलब ये समझ सकते हैं कितनी स्पीड से हम उतर रहे हैं और बिल्कुल खरी चढ़ाई। हाँ चल ना आ जाओ जल्दी, आज मैं नीचे हूँ तो पत्थर पे बैठा हुआ हूँ, आ जाओ। संभाल के भाई, बारिश तो फुल जा रही है, कभी रुकती है कभी चलती है, ऊपर फैमिली आराम आराम से आ रही है, हम जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं आराम आराम से। पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा चुस्त इंसान मैं ही हूँ क्योंकि सारे के सारे है ना थक जा रहे हैं। ब्रांदीन जी का भी ब्रेक ख़त्म हो गया, अभी वापस चलते हैं नीचे। आप वैसे पूरे खड्डा खुड्डी है हर जगह पे, कोई स्पेशली ट्रैक नहीं बना हुआ, ट्रैक शुरू होता है थोड़ी देर के लिए और फिर वापस से ख़त्म हो जाता है। और डंडी तो अभी तो मुझे लेनी पड़ी क्योंकि पहले डंडी के बगैर तो चढ़ गया था, लेकिन जब ऊपर तक पहुंचा ना ऐसा बेहोश हो गया था ना, मैं थक गया तो फौरन सो गया और फिर ब्लॉग भी मैंने एंड कर दिया और फिर सुबह भी मेरे को टाइम नहीं मिला, अभी जब उतर रहे तो तब बना रहा हूँ ब्लॉग। वहाँ कह रहा हम लोग आए वो शहर, वो जब दिख रहा है ना आपको शहर, वो शहर तक जाना है हमको और वहाँ से नीचे उतरना पहले, उसके बाद वापस से शहर में चढ़ना है। हालत टाइट होने वाली है यार, बहुत सफ़र के बाद है ना हम लोग आ गए, हम तो यहाँ पे बैठे ना दरख्त के नीचे छाव के नीचे। अभी आपको मैं बताऊँ हम कहाँ से हैं, हम ये पूरा रास्ता चल चल के गोल पूरा पहाड़ घूम के है ना, वो ऊपर छोटी है वहाँ पे कई क्या ना होटल थी तो वहाँ से आए। अभी ये पीछे भी एक दूसरा पहाड़ है, दूसरा पहाड़ भी हमको चढ़ना है, उसके बाद जाके हमारी जो है ना गाड़ी वगैरह वहाँ पे आएगी, उसके बाद हम गाड़ी पे कहीं और जाएंगे, देखते हैं अभी कहाँ जाना, मुझे वो तो नहीं पता कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। और यार ये डंडी ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, बेचार की डंडी मैंने फेंकवा दी पानी के अंदर, मैंने ये संभाल के रखूँगा। अभी मैं सोच रहा हूँ इसको ना ऐसी जगह रखूँ कहना जब मैं अगली दफ़ा भी आऊँ ना तो ये मेरे को मिल जाए और फिर ये डंडी के साथ मैं वापस ऊपर चलूँ। अगली दफ़ा नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई, आएंगे ज़रूर आएंगे, मैं तो आऊँगा। तो ऐसी जगह मैं कोई ढूंढता हूँ ना कोई अच्छे से जहाँ पे कोई पहुँच भी ना पाए। मैं पागल है, चल तेरे को दे ही ना दूँ मैं, डंडी को अच्छी जगह छुपा के फिर हम निकल जाते हैं। और भाई वहाँ सामने है ना पानी दिखा मेरे को, मैंने थोड़ा पी भी लिया और थोड़ा सा है ना और अपनी पूरी ख्वाहिश पूरी कर देता है। मैंने डंडी कहाँ रखी मेरी पीछे, अभी मैं सोच रहा हूँ मेरी जो डंडी है ना ये देखिए इसके साथ ये ग्रिप भी मिलती है मेरे को ऐसा करके ऐसे, तो अभी है ना मैं सोचूँ इसको है ना ये पत्थर है ना ये पत्थर इसके नीचे मैं छुपा दूँ, ये है ना इसके नीचे मैं छुपा देता हूँ, इंशाल्लाह जब मैं अगली दफ़ा आऊँगा ना ये बड़ा सा पत्थर है और ये पानी का नलका और ये घर है। तो अगर आप कोई भी यहाँ पे आए ना तो अगर आपको ये डंडी मिल जाती है तो मेरे को मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वहाँ पे खुदा से वापस से रख दीजिएगा क्योंकि मैं वापस आके वो करूँगा। और यहाँ से अभी थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं, फुल ठंडा ऊपर से पता नहीं ग्लेशियर का पानी आ रहा है।
अबे यार हट के हाथ में आ गई है, नहीं हो रहा। बिल्कुल टॉप के ऊपर पहुंच गए हम लोग। आपको मैं दिखा दूं, वो सामने दरिए के पास बैठा हुआ था मैं, चल के ऊपर तक आ गया भाई। ये जगह है ना खतरनाक है, खतरनाक ऐसा नहीं, चलना बहुत पड़ता है। आपके अंदर के जाने कोई आप आना, सामने वो रब रांधी ना आ रहा है, आराम आराम से। तो यार अभी है ना जीप में हम आए थे 4x4 वाली, हम पता नहीं कोई ताओ बाट जा रहे हैं, वो भी पहाड़ के ऊपर ही है। हमने हमारे सबके हैंड कैड वगैरह ले लिए हैं ये वाले, और ऐसी जीप में बैठ के जा रहे हैं। फोकस हो जा, अभी सब निकल गए, सामने वाटरफॉल है वहाँ पे, मैं भी चलता हूँ। बिस्मिल्लाह, मैं गया। अरे हाय हाय, तो यार ये हमारे सामने ताओ बाट आ गया, जिसके लिए हम 2 से 3 घंटे, बल्कि 3 से 4 घंटे मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा था। तो हाँ, तो मैं कह रहा था जिसके इतनी देर से इंतज़ार था, तो ये है वो ताओ बाट जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए हमने 3 से 4 घंटे किए। और उससे पहले ये ब्रिज आते हैं ब्रांडिन, ये ब्रिज भी माशाल्लाह से ऐसा है कि आप जम कर रहे हो ना तो आगे तक आपकी लहर जाएगी, और पानी के बिल्कुल साथ में ये छोटा सा शहर टाइप है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वैसे तो। और ठंड तो ऐसी है, रात को देखिएगा धुआं भी निकलेगा। अभी निकले करके देखना, अभी नहीं निकलेगा, रात को निकलेगा जब है ना, रात तो जब जब अभी है। तो यार अभी है ना हम लोग आए थे ये जहाँ पे हमारी होटल है, सामने हमारी होटल है ठीक है, और यहाँ पे ना हमें बकरे बकरे देखे, और सामने यार आप सनसेट देखें, चढ़ गया टट्टी में चढ़ गया, तो क्या हुआ, अच्छा कांटा। और ये आप सामने है ना व्यू देखें, ओहो अरे यार दरख्त आ गया बीच में, वो देखें बिल्कुल क्या व्यू आ रहा है यार, बहुत अच्छा। इसकी ऐसे है ना फुल दाढ़ी वाड़ी भी उगाई हुई है, हैं हैं छोटे हैं, दाढ़ी वाड़ी फुल उगाई हुई है, पूरे बाल के अंदर हैं, फुल पहाड़ी बकरा ही है। मारेगा बस तुम्हें ये आ गया मारने। और एक हैरानी बात है, इसके कान देखे कितने छोटे से कान है, इसके सिंग देखे साइज है, और इसके कान देखे कितने छोटे से कान है। तो भाई खाना खाने के लिए आ गए, टेबल वगैरह लग गए, आज भी वापस से कराई, कल भी कराई थी, उससे पहले बिरयानी थी। यहाँ पे बैठ जाता, यहाँ पे आ जाओ, ये ठीक है। हाय हाय हाय, तो यार रात तो हो चुकी है, खाना वाना खा के आ चुके हैं हम लोग कराई, जैसे कि आप लोग मैंने आपको बताई। अब खाने पे टाइम पे की वीडियो लूँगा तो अच्छा नहीं लगता ना। और वहाँ सामने देखे बॉन फायर हो रही है, अभी हम जाएंगे वहाँ पे, हाथ हाथ वाथ धोने आए थे क्योंकि टिश्यू वगैरह ख़त्म हो गए थे। किसका टेबल से साफ करे भाई तू, मम्मी का टेबल शायद, अबे गंदे। चलो हम चलते हैं। और इतनी ठंडी है ना यहाँ पे, मतलब दूसरी जगह पे तो नॉर्मल ठंडी थी, सुबह थोड़ी गर्मी होती है, लोग जो है ना सुबह थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन है ना रात को है ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो अभी देखिए धुआं भी निकलेगा, निकल अब मैं मतलब बाहर जाता हूँ ना तो तब निकलता है। क्या है तुम्हें बंदर ये,
वीडियो से नहीं खराब आई यार। अभी हम आए हैं यहाँ पानी के पास, देखें ये होटल है हमारी, इससे पीछे वाले ऐसा हमारे होटल है, और देखिए डायरेक्ट नीचे पानी है, पूरा समंदर है आगे। यार इतना सही खास नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन आगे पूरा समंदर है, और यहाँ पे हम दोनों हैं।